हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आपके सामने एक और न्यू रीडिंग लेकर, और आज की रीडिंग बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की डेट है 2/2/22। यस, आज 2 फरवरी है एंड आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। एंड मैं देखना चाहती थी कि आज एंजल्स की तरफ से, हमारे हायर सेल्फ की तरफ से हमें क्या गाइडेंस मिलती है। एंड आज की रीडिंग के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। सबकी एनर्जीज मैं यहाँ पर एक ही रीडिंग में दिखाऊंगी, दैट मींस कि मैं कोई भी यहाँ पर पाइल क्रिएट करने नहीं वाली हूँ। एंड आज मैं एक अपनी न्यू डेक यूज़ करने जा रही हूँ, योगिक ओरेकल डेक, एंड कल ही मुझे डिलीवर हुआ और आज मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। योगिक ओरेकल डेक ये मुझे कल ही डिलीवर हुआ और आज मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ। एंड आज की रीडिंग बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाली है क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हमारी हायर सेल्फ हमसे क्या कहना चाहती है। तो हमारी हायर सेल्फ वो होती है जो कि पूरी तरह से संभल चुकी हैं, उसने अपने शैडो एस्पेक्ट को भी इंटीग्रेट कर लिया है अपने अंदर एंड बहुत ही बेहतर तरीके से वो ज़िंदगी को जीना सीख चुकी है। एक तरह से हमारी फ्यूचर सेल्फ हो गई है जिसमें उसने सब कुछ अचीव कर लिया है। उसके अंदर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो हो चुकी है हमारी हायर सेल्फ, एंड वो हमसे क्या कहना चाहती है तो आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे। एंड हमारी हायर सेल्फ ने जान लिया है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं एंड उसने हर वो डार्क सीक्रेट्स या फिर जो भी सीक्रेट्स हैं यूनिवर्स के वो भी जान चुकी हैं। हमारी जो हायर सेल्फ होती है डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है एंड उसी के मैसेजेस हम यहाँ पर डिलीवर करेंगे आज। तो ये सभी के लिए एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको रख लीजिए, एंड अगर रेजोनेट नहीं होती है देन आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर जो कि है seekerofthedivinetruth@gmail.com। एंड अगर आप कोई क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं रीकी एनर्जाइज्ड, तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। तो चलिए, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, तो विदाउट एनी फर्दर यू लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी करेंट सिचुएशन क्या है, करेंट सिचुएशन क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स की यहाँ पर। थैंक यू गॉड्स एंजल्स, प्लीज मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की, कनेक्टिंग टू माय गॉड्स एंजल्स, कनेक्टिंग टू योर गॉड्स एंजल्स, थैंक यू रिव्यूज की करेंट सिचुएशन के बारे में बताइए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू। तो जैसा कि मैं आज की रीडिंग कर रही हूँ ये हायर सेल्फ के बारे में, और आप देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ जाग रहे हैं, हायर सेल्फ यानी कि जो भी स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो आपको जगाने में, स्पिरिचुअली अलाइन होने में यूनिवर्स के साथ आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड करेंट सिचुएशन में आप, ऐसा हो सकता है कि आप पैसों को लेकर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हों बट आपको, एंड थोड़ा सा रेस्ट वाले मोड में हो आप लोग, और या फिर कुछ लोग हो सकता है किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन यहाँ कर रहे हो, किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहने में, अकेले टाइम स्पेंड करने में उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड कुछ लोग यहाँ फील कर रहे हैं। उनको अपने इमोशंस पे काबू करना आता होगा एंड अपनी मदर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना रहे हैं कुछ लोग, एंड ओवरऑल यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोग और किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर हैं। बस हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल चल रहा है, वो तो चलता ही रहता है। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, दैट मीन्स कि आप अपने कर्मा को अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड थोड़ा सा हो सकता है आप अकेले टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हो आजकल, बिकॉज आप सोचते हो कि बिकॉज आपकी शायद वाइब्रेशंस मैच नहीं कर रही है यूनिवर्स बाकी लोगों के साथ। एंड जैसा कि मैं कह रही थी, अकेले आप टाइम स्पेंड करते रहे, कंपटीशन की एनर्जी यहाँ पर है, अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपनी स्किल्स पर आप लोग ज़्यादा फोकस करने में लगे हुए हैं आजकल। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी, थैंक यू,
थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर क्वेश्चन चूज। बहुत ही बड़े बदलाव से आपकी लाइफ यहाँ पर गुजर रही है, बिकॉज यहाँ जजमेंट का भी कार्ड है तो, और यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फाइड बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं, इमोशनली अच्छा फील कर रहे हैं। बट थोड़ा हो सकता है करियर में स्ट्रगल कर रहे हों आप लोग, एंड अगर यहाँ पे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी बहुत ज़ोरों शोरों से आप लोग लगे हुए हैं, कोई नई अपॉर्चुनिटी क्राफ्ट करने के लिए लगे हुए हैं कि, बट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दी जा रही हैं डिवाइन की तरफ से, एंड आप लोग अपने आप को डिवाइन के साथ बहुत ही कनेक्टेड फील करते होंगे, अपने एंजल्स के साथ, अपने एंसेस्टर्स के साथ आप लोग बहुत कनेक्टेड फील करते होंगे। एंड बहुत ही बड़ा बदलाव, सडन शिफ्ट एकदम से आया होगा आपकी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी एकदम से शायद जॉब वगैरह चेंज हो गई है, या फिर कुछ लोग हो सकता है न्यू रिलेशनशिप में आए हों एंड बहुत ही सैटिस्फाइड खुद को फील कर रहे हों, बट आपको थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ सकता है। एंड ये थी आपकी करेंट एनर्जीज। थैंक यू। ये आपकी करेंट एनर्जीज थी। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। एंड अब हम देख लेते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आज में योगिक ओरेकल डेक की यहाँ पे हेल्प से आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस देखना चाहते हो। आपकी हायर सेल्फ क्या कहना चाहती है आप लोगों से। थैंक यू। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन डेक है, एंड वेदास एंड हमारे जो पुराण और वेदास थे उनकी हेल्प से इस डेक को बनाया गया है, और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही स्पिरिचुअली डेवलप्ड डेक है एंड बहुत ही हाई वाइब्रेशनल डेक है। तो हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं हम सभी के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गॉड्स एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। मैं पहली बार इस डेक को यूज़ कर रही हूँ आप लोगों के सामने, पहली बार यहाँ शफल कर रही हूँ एंड ये कार्ड आना चाहता है। थैंक यू माय गॉड्स एंजल्स, थैंक यू माय हायर सेल्फ, थैंक यू आप लोगों की हायर सेल्फ। बहुत ही सुंदर कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, बहुत ही सुंदर। प्रत्याहारा, अजना चक्र हमारा थर्ड आई चक्र होता है, एंड हो सकता है आप लोगों की इंट्यूटिव पावर्स, जैसा कि आपकी करेंट सिचुएशन में भी आया था कि आप लोग डिटैच हो चुके हैं वर्ल्ड से, थोड़ा बहुत आप अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। एंड आपकी हायर सेल्फ भी यही कह रही है कि यस, आप सही कर रहे हैं, डिटैचमेंट, थोड़ा सा वर्ल्ड के साथ अलग होकर एंड खुद को हील कर रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनते जा रहे हैं। एंड आपकी हायर सेल्फ यही कह रही है कि यस, कीप डूइंग द गुड वर्क, आप लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और इमोशनली फुलफिल्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड अनाहता चक्र, दैट इज़ योर हार्ट चक्र, आपका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है, तो आप लोग बहुत ही इमोशनली फुलफिल्ड यहाँ पर फील कर रहे होंगे, बहुत सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ लव की एनर्जी है, एंड मेडिटेशन वगैरह आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे। तीन कार्ड्स आ गए और शफल करना चाहूँगी मैं। थैंक यू। बहुत सारा, तो यहाँ पर आ गया है माँ काली का कार्ड। यहाँ पर माँ काली यही दर्शा रही हैं कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग माँ काली के भक्त होंगे, माँ काली की आराधना करते होंगे, एंड अगर नहीं भी करते हैं तो वो माँ आपको यही कह रहे हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं एंड आपकी हर मुसीबत से वो रक्षा करते हैं। एंड यहाँ स्नेक जो है ये दर्शा रहा है कि ये यहाँ पर जो कुंडलिनी शक्ति होती है उसको दर्शा रहा है यहाँ पर, साथ ही ये हीलिंग को दर्शा रहा है कि आपने खुद को किसी भी पास्ट ट्रॉमा से हील किया है आप लोगों ने, एंड माँ ने आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करी है उस ट्रॉमा से आगे बढ़ने में। एंड यहाँ कुंडलिनी शक्ति पर कुछ लोग काम कर रहे हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं लोग अपनी चक्रास, आप लोग अपने चक्रास पर काम कर रहे हैं, एंड चक्रास के साथ काम करते करते जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, जो कॉइल्ड सर्पेंट स्नेक होता है हमारे मूलाधारा चक्र में, वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एनलाइटमेंट स्टेट। एंड इसलिए यहाँ पर ये कार्ड आया है, एंड यहाँ माँ काली का कार्ड आया है, जो कि मुझे स्टार्टिंग में ही, जैसे ही मैंने इस डेक को लिया था, खोला था, वैसे ही मुझे माँ काली की ऊर्जा यहाँ पर फील हुई थी, एंड बिकॉज वो मेरी स्पिरिट गाइड हैं, शायद इस वजह से भी हो सकता है, बट मुझे यही मैसेज चैनल हुआ था कि माँ काली का कार्ड
इस रीडिंग में ज़रूर आने वाला है। और यही लिटरली ये लाइन चैनल हुई थी कि माँ काली आपके साथ हैं और आपको किसी भी तरह के मुसीबत से वो बचा रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं, और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनको उनके चरणों में समर्पित होने की ज़रूरत है बस, एंड अपने डर पे काबू पाने की ज़रूरत है। एंड माँ काली का कार्ड यहाँ पर आ ही गया, आई एम सो हैप्पी। एंड यहाँ पर माँ आपसे यही कह रही हैं कि आपको अपनी, एंड ये कार्ड कुंडलिनी शक्ति के साथ साथ जो कि माँ की ही शक्ति होती है, यहाँ पर भगवान शिव की भी शक्ति यहाँ पर दर्शाता है, भगवान शिव की भी ऊर्जा यहाँ पर दर्शा रहा है, जो कि आपको कह रही है डिटैचमेंट। अगेन वो आदि हैं, वो अनंत हैं, डिटैच करिए आप खुद को, डिटैच करिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से। अगर आपके कोई भी डिस्ट्रैक्शंस थे, लोग, टॉक्सिक लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो आपको अपने भीतर झांकने की यहाँ ज़रूरत है। एंड आपकी जो इंट्यूशन पावर्स हैं वो बहुत ही राइज हो रही हैं। एंड कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं आपके हायर सेल्फ से। प्लीज़ मुझे बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आते हैं, सारे ले लेते हो मैं। एंड यहाँ पर बहुत सारी गाइडेंस आपको देना चाहते हैं आपकी हाई सेल्फ। तो यहाँ है धूमावती माता का कार्ड, एंड यहाँ पर है धारणा का कार्ड, धारणा, आत्मन एंड आसन। तो आपकी हाई सेल्फ आपको यही कह रही है, अगेन डिटैचमेंट का ही कार्ड होता है, सी द बिगर पिक्चर। आपको बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है एंड ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर यूनिवर्स पर, क्योंकि आपके आने वाला टाइम जो होगा बहुत ही स्पिरिचुअली आप लोग डेवलप हो चुके होंगे। एंड आत्मन का कार्ड यहाँ पर बहुत यही दर्शा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है यहाँ पर डिवाइन से एंड एंजल्स से। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन मुझे दिख रहा है, साफ साफ माँ की शक्ति यहाँ, धूमावती माता की भी शक्ति है एंड यहाँ पर माँ काली की भी शक्ति है। एंड धूमावती माता का कार्ड यही दर्शा रहा है कि यहाँ पर देखिए कौओं को भी ऊर्जा है, और हमारे जो हिंदू कल्चर है उसमें कौओं को पितरों का प्रतीक माना गया है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि माता भी आपके साथ है एंड आपके जो पितर हैं वो भी आपके साथ है। एंड ये यही दर्शा रहा है कि आपने जो भी स्ट्रगल फेस किया है ना, उसको थैंक यू बोलिए अपने स्ट्रगल्स को, क्योंकि आप यहाँ पहुँच पाए हैं आप एंड अपनी डिवाइन से यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो पाए हैं। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो भी आपने स्ट्रगल फेस किए हैं उससे आप कई गुना बेहतर इंसान बनने में आपको यहाँ पर मदद मिली है। तो अपने स्ट्रगल्स को थैंक यू बोलिए। एंड यहाँ धारणा का कार्ड है, जो कि आपको यही दर्शा रहा है, डिटैच हो जाइए जो भी वर्ल्ड है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए एंड सूर्य की तरह राइज होने का अब समय आ गया है, सूर्य की तरह चमकने का समय आ गया है। आपका जो बुरा स्ट्रगल वाला पीरियड था वो सब खत्म हो चुका है एंड यहाँ पर सन राइजिंग हो रहा है, सन राइज कर रहा है। आपको अपने गोल्स पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है एंड बाकी लोगों से, बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर हटने की आपको यहाँ ज़रूरत है। खुद के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ। आत्मन जो हम अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आप अपनी आत्मा से जुड़ रहे हैं, आप यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि आपकी शैडो सेल्फ क्या है और इसी मार्ग पर आपको बढ़ते जाना है। अपनी शैडो सेल्फ को पहचानिए, अपनी स्ट्रगल्स को पहचानिए और ख़ुद को इंटीग्रेट करिए अपनी शैडो सेल्फ के साथ, उस पर काम करिए। एंड आसन मतलब स्टिलनेस, जो योगा में आसन होते हैं उसका मतलब होता है स्टिल बैठना, एक जगह बैठना। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको लिटरली यहाँ पर योगासन करने को भी कहा जा रहा है कुछ लोगों को। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं तो आपको योगा करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर नीड है। एंड एक जगह आप बैठ कर चिंतन करिए, ध्यान करिए एंड सोचिए कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है। तो अब हम टैरो कार्ड की हेल्प से देख लेते हैं कि क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपकी जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्या है। हायर सेल्फ की तरफ से प्लीज़ हायर सेल्फ बताइए कि ब्लॉकेजेस क्या है मेरे लिए उसकी। थैंक यू ब्लॉकेजेस क्या चल रही हैं इससे। थैंक यू। बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में ना, बहुत डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, इसलिए आपके
यही कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर होने का समय है। ब्लॉकेजेस क्या है उसके, टावर का कार्ड जिसकी एनर्जी मुझे फील हो रही थी ना, वही कार्ड यहाँ पर आ गया है। आप यहाँ पर किसी अपने पास्ट को पकड़ के यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने पास्ट की एनर्जी को यहाँ पर पकड़ के बैठे हुए हैं। आपको क्या कहा जा रहा है कि आप लेट गो करिए अपनी पास्ट को, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है पास्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं आगे जाके और भी ज़्यादा होगा। हालांकि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किए होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ अच्छा ही होगा ही नहीं। एंड यहाँ पर धूमावती माता का कार्ड भी यही दर्शा रहा है कि आपको अपने स्ट्रगल से, जो भी स्ट्रगल आपने फेस किया, उसको थैंक यू बोलने की ज़रूरत है एंड उसके साथ पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी फैमिली भी बहुत टॉक्सिक हो, कुछ लोगों की यहाँ फैमिली टॉक्सिक होगी। एंड ये कार्ड मैं ले लेती हूँ, थैंक यू। आपको अपने जो भी सत्य को यहाँ पहचानने की ज़रूरत है, जो भी आपकी आत्मा यहाँ पर सोल यहाँ पर करने आई है, उसको पहचानने की यहाँ ज़रूरत है। और खुद से झूठ मत बोलिए, आपको एक लोगों से झूठ बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हो सकता है अपने आप से ही एक मास्क पहन के बैठे हों कि हाँ मैं सबके साथ अच्छा हूँ, हाँ मैं सोशल हूँ, हाँ मैं फ्रेंडली हूँ, मेरे अंदर सब अच्छा है। बट आपके अंदर चल क्या रहा है टावर, आपके अंदर बहुत सारा तूफान चल रहा है इस समय एंड आपको खुद को शांत करने की यहाँ ज़रूरत है। एंड द मून यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है, या आपकी ब्लॉकेज है कि आप दुखी बहुत ज़्यादा फील करते रहते हैं, हमेशा पास्ट में बैठे रहते हैं। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जहाँ आपको आगे देखने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपने फ्यूचर्स को देखना चाहिए, अपने पैशन पर डर पे काबू करना चाहिए, वहीं पर आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं। एंड आपके जो, इसलिए आपका जो करियर होगा वो भी स्टक हो रहा होगा। पास्ट की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है यहाँ पर, आपके पास्ट में जो भी स्ट्रगल हुए हैं उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड खुद को डिटैच करके अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेचर के साथ आप जुड़िए, ग्राउंडिंग एनर्जी में जाइए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पीस मिलेगी, शांति मिलेगी दिमाग में, शांति और सुकून मिलेगा दिमाग में। एंड द मून आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए, अगर मून में यहाँ पर एक्लिप्स है तो अगले बार तो सुबह होगी ही ना, भले ही कितनी भी अंधेरी रात हो, अगली बार सुबह तो होगी ही। सुबह होने से कोई नहीं टाल सकता है, तो आपके जीवन में सुबह भी आने वाली है, अंधेरा जाने वाला है। एंड आपको जो भी डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है वो सरेंडर करनी है माँ को, माँ को ही बोलिए आपकी जो स्ट्रगल्स हैं वो ख़त्म कर दे। एंड अब आपकी जो ज़िंदगी है, अंधेरी ज़िंदगी है, उसमें नए सुबह को लेके आए। एंड जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है उससे आप आगे बढ़िए। तो अब हम देख लेते हैं कि आपको क्या एक्शंस लेने की ज़रूरत है, यहाँ एक्शंस क्या लेने की ज़रूरत है। एक्शंस लेने की क्या ज़रूरत है, थैंक यू। यहाँ पे बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। एंड व्हाट लाइट्स यू अप, जो भी आपको करके इन्जॉयमेंट मिलती है, जॉय मिलता है, आप वो करिए। जो जिस भी चीज़ से आप खुशी मिलती है आपको वो करिए। एंड आप सोचते हैं कि मैं इस दुनिया में अकेला ही हूँ, मुझे कोई नहीं समझने वाला है, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं और से आया हूँ, तो आप सही हैं। यहाँ पर शायद लो वाइब्रेशनल लोगों के साथ आपकी लाइफ चल रही है, बहुत ही टॉक्सिक लोगों के साथ। एंड आप यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट पर्पस के साथ आए हैं, इसलिए आपको डिवाइन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। एंड आप, हो सकता है हायर रियल्म्स में जो लोग होते हैं वहाँ से आए हों, स्टार सीड हों आप, तो इस वजह से ही आपको ये लाइफ एक्सपीरियंसेस दे रहे हैं। तो आपको आत्मचिंतन, यहाँ पर आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। एंड आपको जो भी चीज़ इंजॉयमेंट देती है उसको करिए। एंड यहाँ पर है टेक अ ब्रेक, अ लाइफ वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। जो भी आप एकदम
भागे जा रहे हैं जिंदगी की होड़ में पैसा कमाने के लिए, या फिर जो भी कंपटीशन की एनर्जी हमने देखी थी स्टार्टिंग में, कंपटीशन में लगे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा करे जा रहे हैं, तो आपको कहा जा रहा है टेक अ ब्रेक। डिटैचमेंट का यहाँ पर कितनी क्लियरली कार्ड्स एक दूसरे से रेजोनेट कर रहे हैं कि यहाँ डिटैच होइए और खुद को अकेले में टाइम स्पेंड करिए एंड कहीं वेकेशन पर जाइए। आपको यहाँ अकेले रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड खुद पर आत्मचिंतन करने की बहुत ज़रूरत है। और क्या एक्शंस लेने हैं? ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। एंड यहाँ पर भी लिटरली हीलिंग का कार्ड आया है। आपको हील करने की ज़रूरत है और अपना फ्यूचर खुद लिखने की ज़रूरत है। पास्ट में जो भी हो गया है वो आपको डिफाइन नहीं करता है कि आप कौन थे, क्या थे। ये देखिए जिस तरह से इसकी शैडोज़ हैं, वो अपने एक एक करके अपने शैडोज़ को समझते 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 बहुत आगे निकल चुकी है। इस अंधेरी गुफा से वो आगे निकल चुकी है एंड उसने खुद को भी हील किया है। साथ ही जो आपके जो और साथ ही जो उसके एंसेस्टर्स के पैटर्न चलते हुए आ रहे थे, नेगेटिव पैटर्न जो भी साइकिल्स रिपीट होते हुए आ रही थी, उसको भी उसने हील किया है एंड आगे बढ़ी है। तो आपको यही कहा जा रहा है आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए, क्योंकि माँ की ऊर्जा यहाँ पर आपके साथ है एंड आप एक बहुत ही बड़े लाइफ पर्पस के लिए बने हैं। बहुत ही बड़े लाइफ पर्पस में आपको एक्सपीरियंस दिया जा रहा है और बहुत ही बड़ा डिवाइन प्लान चल रहा है। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि सी द बिगर पिक्चर को देखिए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो उसका आंसर यहाँ यस है। एंजल्स की तरफ से, आपके हाई सेल्फ की तरफ से यहाँ पे यस आंसर है। तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ ऐसे। एंड लेमोरिया क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। जो भी आप करना चाहते थे वो सब हो रहा है एंड आपका लाइफ पर्पस भी यही है यहाँ पर, कि इस दुनिया को अच्छा बनाना, इस दुनिया को अपने एक्सपीरियंसेस से इस दुनिया में अच्छाई लाना और एक अर्थ को एक तरह से हेवन बनाना। और आपका रोल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप इंडिविजुअली अपना रोल बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। आप राइट ट्रैक पर है, आपको इसी ट्रैक पर आगे बढ़ते जाना है एंड आपको मेडिटेशन में बहुत ध्यान लगाने की ज़रूरत है। सो यस, ये थे गाइस आपके लिए हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई होप आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिली होगी एंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। साथ ही आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करेगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।